हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 8:30 बजे से स्टार्ट। और आज मुझे ड्यूटी मिली है बैलों के साथ जाने की, क्योंकि पापा ड्यूटी पे, माँ जंगल और भाई गया है थैलीसैंण, तो इसलिए मुझे मिली है बैलों के साथ जाने की ड्यूटी। तो अभी मैं जा रही हूँ बैलों के साथ। और आज भी मौसम कुछ ऐसी हो रखा है, चारों तरफ कोहरा कोहरा लग रखा है। तो चलो, बहुत दिन बाद बैलों के साथ जाने का मौका मिला, तो चलो मिलती हूँ मैं भी आपको थोड़ी देर में। पहले छन्नी में पहुँच जाऊँगी, उसके बाद मिलूँगी, ठीक है? तो मैंने अपनी गाय खोल ली है, और बताना तो भूल ही गई कि कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। कल पूरा दिन, मतलब आज ब्लॉग नहीं आने वाला, क्योंकि मतलब जैसा आज का ब्लॉग होगा तो कल डालती हूँ ना, तो इसलिए आज ब्लॉग नहीं आएगा। मतलब आप तो जब आप ये ब्लॉग देखोगे तब तो ये ब्लॉग आ जाएगा, लेकिन उसके पहले दिन का ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 10 बजे तो मैं उठी, ठीक है? उसके बाद ना मैं नाश्ता वास्ता किया, बर्तन वर्तन धोए, लकड़ियों के लिए गई। मतलब गठरिया गठरिया बना के रखी होती है ना ऐसी, तो उन लकड़ियों के लिए गई। और मैंने ना एकदम से उठाया ले, और वो ना रेलिंग पे सड़ गया। मतलब ना गठर सी जो रेलिंग पे लग गई, ऐसी रेलिंग लगी हुई है रास्ते पे जो, तो उस पर लग गया। मैं ऐसे उठाने के लिए जैसी उठी तो मेरी गर्दन पूरी कड़क बोल गई। मतलब मेरी गर्दन में ना मोच आ गई, अभी भी मेरे से ऐसे और ऐसे नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया पूरे दिन। पहले तो 10 बजे उठी मैं, फिर उसके बाद मैं पूरे दिन ऐसी लेटी रही। स्प्रे मारा मैंने, मतलब मम्मी भी आ गई थी घास लेके, तब तक स्प्रे मारा। उसके बाद ऐसी लेटी हुई थी मैं, ना मेरे से इधर मुड़ा जा रहा, ना उधर मुड़ा जा रहा, ना मेरे से उठा जा रहा, ना बैठा जा रहा। तो फिर माँ चाय लेके आई, फिर माँ ने मेरे को उठाया आराम से, क्योंकि बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा था। माँ ने उठाया, फिर उसके बाद चाय भाई दी, उसके बाद मैंने चाय पी, मैं फिर से लेटी। फिर इतना भयंकर दर्द हो रहा था ना कि पूछो मत। अभी थोड़ा सही है क्योंकि 2-3 बार स्प्रे मारी ना, तो अभी सही है। और अभी मैं आ गई हूँ बैलों के साथ, और बैल जा रहे हैं मेरे आगे से, और मैं हूँ पीछे से। और यहाँ पे गधेरा आ रखा था भयंकर वाला, जो कि अभी नहीं है, अभी तो नॉर्मली है। तो चलती हूँ इस गधेरे में, और मेरे बैल इतनी तेज़ भाग रहे हैं ना कि पूछो मत, भाग गए थे ना। और अब छोटे छोटे हैं ना अभी, और उनको ना मार देते हैं ये ना, मतलब लड़ाई नहीं कर पाते हैं, अभी छोटे हैं ना इसलिए लड़ाई नहीं कर पाते हैं। और बड़े वाले बैल ना, औरों के जो बैल हैं वो इनको मार देते हैं, तो इसलिए इन्हीं के साथ रहना पड़ता है। तो पापा ने बोला बैलों को मत छोड़ना, मैंने कहा ठीक है। तो चलो अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, देखते हैं इनको कितना भागती है ये, है ना। लेके आ रखी हूँ बैल अपने रोड के इधर, और ये गांव, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। और रोड के इधर ही लाई हूँ बैल, क्योंकि जहाँ जंगल जाते थे ना तो गधेरा गधेरा है ऊपर तक, तो वहाँ जब वो आया ना, बहुत मोटा सा गधेरा आया ना, तो पूरा रास्ता ख़राब हो गया, मतलब उबड़ खाबड़ हो गया पूरा रास्ता। गर्दन पर इतनी भयंकर दर्द हो रही है ना, जैसे गर्दन ज़्यादा हिल रही वैसे दर्द हो रही, तो इस वजह से मैं इनको इधर ही ले आई हूँ। वैसे आज सबके इधर ही हैं। तो चलो अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, इनको देखती हूँ यार पहले। अब मैं इसको भागा भी नहीं ज़्यादा, अब भाग रही हूँ ना तो गर्दन पे असर हो रहा है, तो मैं तो ऐसी के ऐसी हूँ। कल से परसों से मेरा भाई मेरे को चिढ़ा रहा था, तो स्टैचू बनी हुई है बोला, मैंने कहा क्या करूँ यार अब। तो चलो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो मैं हूँ अभी बैलों के साथ, और इसको देखो ये भी आ गया, पता नहीं कहाँ से आया ये, और घर में नहीं रहता ये बिल्कुल भी, इसको मौका चाहिए भागने का बस घर से। ये देखो भाग के टुकड़े,
मैं चटगांव जा तू। तो चलो अभी आपको बैक कैमरे से नज़ारे दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है। गया है 12:30 और कल का ब्लॉग रह गया था जो कि आधा ही बना है, उसको आधा ही पोस्ट कर दूंगी। नहीं तो कल भी नहीं डाला मैंने ब्लॉग, आज भी नहीं डाला, परसों भी नहीं डाला, तो फिर गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।